मेरी क्रिसमस और जे पी एफ क्रिसमस कॉन्वर्जेस में आपका स्वागत है ये जो बाइबल है वो परमेश्वर की कहानी है और हम दुनिया में बहुत सारे कहानियों को हम सुनते हैं जो लोग बोलते हैं कि पृथ्वी ऐसे बना था वैसे बना था या कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं अभी हम इस पूरे दुनिया में देख रहे हैं इतनी सारी बातों को हम देख रहे हैं हाँ। और उसका जो ओरिजिन है कि सब कुछ अभी जो हम देख रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ हाँ। उसको समझाने के लिए लोग बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं पर जो ये बाइबल हमारे हाथ में है वो परमेश्वर की सच्चाई है हाँ। उसमें हम देखते हैं कि ये पृथ्वी को परमेश्वर ने कैसे बनाया और हम आज के दिन में हम देखते हैं हम पॉलिटिकल लैंडस्केप देखते हैं हम कल्चरल लैंडस्केप देखते हैं कि लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं लोगों को लोगों के दिल में बहुत कंफ्यूजन है जैसे हम जानते हैं बाइबल कहती है कि सब पापी ही जन्मे थे हम सब पापी जन्मे थे अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर लोगों को पता नहीं है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये समझा नहीं पाते कि अगर सब लोग भले हैं तो वो ऐसे काम क्यों करते हैं hmm. या अगर सब लोग भले हैं तो दुनिया में हम ये जो डिज़ीज़ देख रहे हैं इतनी सारी बीमारियाँ हैं hmm. और इतनी सारी बातें होती है लोग दूसरों को घायल कर देते हैं दूसरों को अब्यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों का लोग ट्राई करते हैं रीज़न निकालना पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हाँ। हैं क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को नही नहीं जानते पर हाँ। तो परमेश्वर ने बहुत क्लियरली हम हम हमारे लिए उनकी जो कहानी है शुरुआत से अंत तक उन्होंने हमें इस बाइबल में लिख के दिया है और हम शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनाया जो हम अभी भी देखते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर, सुंदर है भले ही वो फॉलन हाँ। वर्ल्ड है फिर भी बहुत सुंदर है और हम देखते हैं कि इस दुनिया में पाप है हम वो सब उत्पत्ति में पढ़ते हैं और हम सर्दियों से हम देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर उसी चैप्टर में उसी चैप्टर में परमेश्वर एक उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी देते दे हैं उसी में उसी चैप्टर में और वो कहते हैं कि एक स्त्री का एक वंश होगा जो आएगा और इस सारी जो भी टूटी हुई चीजें हैं उनको वापस जोड़ देगा सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा पाप टूट जाएगा मृत्यु का जो सामर्थ्य है वो टूट जाएगा और हम उत्पत्ति से देखते हैं उसके बाद वो याकूब की भविष्यवाणी हम देखते हैं और आगे जाके दाऊद को परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारा संतान होगा जो मसीहा होगा आप तुम्हारे वंश में होगा हाँ।, 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 हाँ और उसके बाद हम भविष्य को बोलते हैं और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा आ, आएगा, आएगा हमको बचाने हाँ। और ये सिर्फ अगर हम पढ़ेंगे तो ये सिर्फ जुडेजम या जुडेइजम में सिर्फ ऐसे नहीं था दूसरे धर्मों को भी ये पता था कि एक मसीहा आएगा हाँ। हाँ। और यशा गर्षो ऐसे कहते हैं कि काश तू आकाश को फाड़ कर नीचे उतर आए है ना और हम देखते हैं कि सदियों से लोग वेट करते रहे एक मसीहा के, हाँ। और हम बाइबल में उस मसीहा की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह आए हाँ। तो इन सब बातों के बारे में आज हम और डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। ठीक है तो जैसे हम ये दिसंबर के क्रिसमस के सीज़न में हम चल रहे हैं तो ये बड़ा खुशी का ये समय है और आनंद का प्यार का और शांति का और ये खुश खबरी जैसे हमको एक बहुत सब लोग एक एक्साइटमेंट फील करते हैं कि ये क्रिसमस आ गया तो हाँ ये ज़रूर एक सीज़न है जो हमको है लेकिन आ, इसके बारे में हम आ, जानना चाहते हैं कि ये सीज़न हम हम विश्वास से पूरे लाइफ में ऐसा हम चला सकते हैं ऐसा नहीं है कि क्रिसमस uh, है तो क्रिसमस में एंजॉय हम ऐसा प्रभु का वचन बोल कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो हुँ। तो सदा मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे जन्म के टाइम पे आनंद करो तो ऐसा प्रभु हमको चाहता है कि हम खुश रहे हम उसके बच्चे ऑब्वियसली कोई भी पिता चाहेगा कि अपना बच्चा खुश रहेगा आनंद में रहेगा कोई भी um, वर्ल्ड के कोई भी पिता हो तो ऐसा ही सोचेंगे कि मेरा बेटा खुश रहे आनंदित रहे हैप्पी रहे और मेरे को प्यार मुझे प्यार करे सब अपने खुद को प्यार करे अच्छे तरीके से जीवन बिताए तो ऐसे जो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी ऐसा ही सोचता है कि हम उसके साथ बने रहे उसके साथ चाहे लेकिन हम जैसे क्रिसमस के सीजन में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो एक मिरेकल्स को दिखाता है जो पॉसिबल नहीं है जो वर्ल्ड के जो नियम है बेसिक नियम तो उसको फॉलो नहीं करता है तो जैसे कि मरियम का मरियम का जन्म मरियम एक कुंवारी थी उसके उसको एक बच्चे का जन्म देना पॉसिबल नहीं है फिर एक उसको जैसे को प्रभु यीशु के पहले ही जॉन को भेजा प्रभु ने तो जॉन को भेजने 400 साल तक फोर हंड्रेड बहुत बड़ी बहुत हाँ। बड़ा टाइम गैप है हाँ। जैसे हम कभी सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर वर अभी हंड्रेड ईयर भी नहीं हाँ। हुआ है वर्ल्ड वॉर टू को हाँ। तो अभी चार सौ साल तो बहुत हाँ। गैप है इतने चार सौ साल तक प्रभु ने कोई बात नहीं की अपने बच्चों से क्या करे ऐसा करके तो प्रभु ने एक प्लान बनाया पहले से ही प्लान था उस प्लान के हिसाब से जॉन को भेजा ताकि ऐसा प्रभु यीशु अचानक से आ जाए और सब लोग ऐसा हो जाए कि क्योंकि सबके दिमाग में ये बात नहीं आएगी तो जॉन के बारे में ऐसा लिखा है यौन बपतिस्मा करने वाले को कि वो मार्ग तैयार करेगा प्रभु के लिए तो इसीलिए वो मार्ग को सीधा करेगा ऐसा लिखा है तो उसने आके पहले सबको प्रभु के बारे में लिखा है पश्चाताप करने के लिए बोला और उसने ये भी बोला कि मेरे जो पीछे आ रहा है वो मेरे से बड़ा है तो प्रभु यीशु का आने का जो प्लान था वो बहुत सारे जैसे जॉन का खुद का जॉन बाप्ट का जो बॉन बॉर्न हुआ था वो भी नॉर्मल नहीं था हाँ। वो उसका भी मम्मी बहुत एजेड थी हाँ। तो वो भी एक मेरिकल था और दूसरे के जो जो खुशखबरी दी थी तो दूतों ने आया हाँ। और लिखा है कि आ, स्वर्ग की पूरी सेना दूत स्वर्ग दूतों की पूरी सेना पृथ्वी पे आई तो आ, उससे हम ये भी देखते हैं कि आज भी ऐसा हो रहा है हम जैसे हम मिरेकल्स देख देख रहे हैं तो आज भी ऐसा हो रहा है कि हमारी लाइफ में भी मेरी आपकी लाइफ भी एक, एक मिराकल हम बोलते हैं क्योंकि आ, प्रभु ने एक मिराकल करके ही हमको बचाया और जैसे हम कैसी लाइफ जी रहे थे पाप में श्राप में तो उससे बचा है वो भी एक मेरे को ऐसा लगता है मैं कैसा था हुँ, तो हुँ, ऐसे करके बचा है प्रभु ने वो भी एक मेरे कल है फिर आ, जैसे उस टाइम मेरे कल को देख रहे हैं तो आ, फिर प्रभु यीशु के जन्म के समय में आ, जो यबूसी लोग जो वाई तीन यबूसी लोग थे जो वाइज थ्री वाइज मैन तो वो लोगों का आना फिर उन लोगों का तारा, तारा गया और उसको भी हम देखते हैं कि प्रभु बहुत सारे मेरेकल्स को किए फिर वो प्रभु यीशु को बचाया जैसे प्रभु यीशु को बचाया यबूसी लोगों को रिटर्न आने से बचाया तो उससे हम ये भी सीखते हैं कि प्रभु अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा सोचा है तो उसके लिए भी हम कुछ हम जैसे उन लोगों को तो पता नहीं था लेकिन प्रभु हमको ऐसी लाइफ में लेके जाते हैं टर्न लेके तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों जा रहे हैं लेकिन वो उससे भी हमको सीखना क्यों मिलता है कि प्रभु हमारे लिए ऐसा करके मिरेकल करके भी हमको अच्छी बचाते हैं अच्छी लाइफ को और लेके चलते हैं और काफ़ी सारे दूसरे भी हम मिरेकल्स देख रहे हैं कि एक जो जिसने पृथ्वी को बनाया प्रभु यीशु उसी के लिए पृथ्वी में जगह नहीं थी पृथ्वी में क्या बोलेंगे एक घर में जगह नहीं थी नहीं। और उसको एक गंदी गमन उसको बोलते हैं कि चरनी चरनी के उसके बिठाया तो वो तो एक गंदी जगह है लेकिन प्रभु एक गंदी जगह पे भी जाएगा तो एक अच्छा काम करेगा वो ऐसे गंदी जगह में भी जाएगा तो उसका वो महिमा से भर देगा जैसे कई सारे लोग स्वर्गदूत है कई सारे लोग ऐसी जगह पे आए और चरनी से हम ये भी सीखते हैं कि प्रभु ऐसे हमारा हार्ट भी एक पहले गंदा था तो ऐसी जगह पे आके प्रभु उसको महिमा वन, महिमा से भरता है उसको साफ करता है अच्छे से रखता है तो ऐसी जगह पे आपके प्रभु घर बनाता है वो चरणी सिखाता है फिर जैसे गडरिये थे उनको खुश मिली थी तो वो लोग बड़े लोग नहीं थे छोटे लोग थे और कई सारे ज्ञानी लोग नहीं थे तो प्रभु इसे हो सकता हाँ। पता भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में वो पहले तो डर गए थे ऐसा लिखा है तो सरदूत ने बोला कि डरो मत hmm. तो ये बोलना चाहते हैं कि प्रभु ऐसे हम छोटे लोगों को उठाता है क्योंकि जैसे लिखा है कि गॉड डज नॉट चूज़ द क्वालिफाइड बट क्वालिफाइज द चूज़न तो प्रभु ऐसा हमारा बड़ा अनुग्रह हम पे रखता है hmm. हमसे प्यार करता है कि हम छोटे लोग हैं हमें बहुत सारी कमी घटिया लेकिन हमको पहले पसंद कर लिया हम हमारा पृथ्वी पे जन्म हुआ पृथ्वी का उत्पन्न हुआ पहले से उसने हमको पसंद करके रखा है अपना नाम बुला कर तो पहले से पसंद कर लिया अभी हमको क्वालिफाई करने के लिए ले जा रहा है तो कई सारे मिले कल मेरे कल से हमको सीखना तो है बहुत सारे हम बातें सीखते हैं लेकिन प्रभु प्यारा भी है कृपालु है लेकिन जब आ, उस प्यार ही सबको बदलता है और सबने सब ने हम सबको भी प्रभु ने प्रभु के प्यार नहीं बदला था जैसे आ, मेरी आपको गवाही दूंगा तो आ, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ कि छुटकारा प्रभु हमको कैसे छुड़ाता है प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है तो प्रभु यीशु आने का मकसद क्या था हमारा मकसद कैसा वो पूरा करता है तो जैसे मेरी लाइफ में मैं देखता हूँ तो Uh, मेरी लाइफ ऐसे ही जी रहा था क्रिस्ती बाय वॉर्न क्रिश्चियन फैमिली थी लेकिन uh, जैसे uh, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था uh, कुछ भी जी रहा था कैसी लाइफ थी लेकिन एक टाइम एक यूथ कैम्प में आकर मैंने प्रभु को लाइफ दिया तो धीरे धीरे करके प्रभु मुझे बदलता गया मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि प्रभु मुझे इतना बदल देगा ले लेकिन तब रियलाइज़ हुआ जब लोग बोले मेरे खुद दादा ने मुझे बोला कि मेरे, मुझे तुमसे ज़्यादा टेंशन था तुम बहुत सराह रहती थे बहुत ज़िद्दी थे लेकिन प्रभु बदलता है प्रभु का प्यार हमको बदलता है तो प्रभु जो हमारे लिए एक छुटकारा रखा है हमारा जो पुराना जीवन है उससे छुटकारा हम काफ़ी सारी लाइफ में बातें हैं जिससे हम मैं पहले डरता था तो डर से छुटकारा कोई गरीबी है ला, लाइफ में प्रॉब्लम है उससे छुटकारा काफ़ी हमारा जो आ, हमारे बाप से फैमिली बैकग्राउंड से पहले से आ रहा कुछ श्राप हो उससे भी प्रभु हमको छुड़ाता चुड़ा। है छुटकारा देता है जैसे प्रभु ने मैंने प्रभु को मैंने अपना जीवन समर्पण किया तो प्रभु ने मुझे पूरा बदल के रख दिया और अभी भी बदल रहा है अभी भी प्रोसेस में है कि धीरे धीरे करके जैसे पॉलिस बोल रहा है कि धीरे धीरे करके हम मसीह के जैसे रूपांतरित होते जा रहे हैं तो हमको भी ऐसे प्रभु बदल रहा है और अपने प्यार से उसके उसका जो स्वभाव है उससे हमको बढ़ते जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का स्वभाव में बढ़ते जा रहा है तो अभी हम थोड़े वर्ष को पढ़ेंगे पहले हम देखेंगे लुका का आ, लुका का सुसमाचार उसका सेकंड और इलेवन कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है और तो आ, जैसे हम देख रहे हैं कि ये आ, आ, एक खुश है जैसे स्वर्गदूत ने दिया है तो आ, जैसे प्रभु को इस दुनिया में इंट्रोडक्शन दे रहे उसमें ऐसे इंट्रोडक्शन इस, इस तरह से देते कि उद्धार करता मुक्तिदाता यानी कि हमको छुड़ाने वाला किसमें से छुड़ाएगा हमारा जो डर है पाप है श्राप है कुछ भी ऐसा चीज़ हमारे लाइफ में है उससे हमें छुड़ाएगा ऐसा करके हमको इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि हम खुद को छुड़ा नहीं पा पा रहे थे इसलिए तो इंट्रोडक्शन में ऐसा करके दिखा रहा है तो उसी हम देखेंगे कि जॉन टेन एंड नाइन द्वार मैं हूँ यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा हाँ तो आ, उद्धार पाएगा प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं एक द्वार हूँ मेरे से अंदर होकर जाएगा तो उद्धार पाएगा तो प्रभु यीशु हमारे लिए एक उद्धार बना हमारे लिए द्वार बना कि उसके द्वार से होकर हम गॉड के साथ मिल सकते एक संगत रख सकते हैं तो पहले जो आदम के द्वारा जो संगत टूट गया था वो प्रभु यीशु के द्वारा जुड़ गया और उसके लहू के द्वारा हम फिर से उसके संगत में आ गए हैं तो वही है कि हमको छुड़ा कर पाप में से छुड़ा कर के साथ संगति में ले जाए तो आगे हम देखेंगे कि एफ टू ट्वेल्व एंड थर्टी थर्टीन तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे पर अब मसी यीशू में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो yes. तो इसमें हम ट्वेल्व के में देख रहा था कि ट्वेल्व का पूरा जो वर्स है वो पास्ट टेंस में थे करके लिखा है और जो थर्टीन है उसमें अभी ये मसीह के रक्त के द्वारा आ गए है हा हाँ, है, है करके प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो जैसे हम पहले कैसे थे कि परमेश्वर की प्रत, जो प्रतिज्ञा थी उसके बाहर थे जो करार उसको गुजराती में लिखा है कि करार जो वाचा तो उसके हम बाहर थे जो क्योंकि प्रभु यीशु के पहले उसको स्वीकार करने के पहले उसका फिर उसका उसका साथ जो संगत थी उसके साथ जो करार था जो महिमा की जो आशा थी आशा हमारे पास नहीं थी कैसे जिएंगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं था हम अभी हम हमारे पास एक आशा मसीह जो हमारे अंदर है करके लिखा है तो ऐसा हम आ, हमारे अंदर एक आशा दिया और अभी हम प्रभु यीशु के आ, वो तो थे पहले हम दूर थे परमेश्वर से लेकिन अभी हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा निकट, निकट हो गए हैं है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक छुटकारा का लिए एक पावरफुल हमारे वर्ष है कि प्रभु यीशु का लहू जो अभी ऑलरेडी उसको काम हो गया है दो हज़ार पहले अभी ब, उसका जो प्रभु यीशु ने काम कर दिया हमारे लिए लहू बहाया बहा दिया है तो उसका जो सामर्थ है वो हमारे पास है हम उसके प्रभु यीशु के द्वारा उसके लहू बहाने के द्वारा हम प्रभु पिता के निकट आ गए हैं और आ, ये वचन एक्चुअली सच्चाई सच्चाई है हाँ, सच्चाई है और हमको हमारे फीलिंग्स के हिसाब से नहीं जाना है हाँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम निराश हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हाँ। पर यहाँ पर वो लिखते हैं कि तुम मसीह में आने से पहले तुम दूर थे।, दूर थे पर अभी तुम तो मसी के पास आ गए हो तो तुम निकट हो गए हो भले ही हमको हाँ। कैसे भी लग, लगता होगा हम हाँ। निकट ही हैं निकट ही है हम फील नहीं कर रहे मेरे को लगता है कि मैं आज तो प्रभु मेरे से बात नहीं किया है मैं ऐसे पूरे बिजी रहा मेरे ऐसा काम कर दिया ऐसा कर दिया अब मेरे गलत काम भी कर दिया फिर भी वो नज़दीक ही है वो उसने अटर्नल एक प्रॉमिस रख दिया है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ेगा ऐसे कुछ कर देने से या हमारे बीसी वो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि हम छोड़ सकते हैं वो नहीं छोड़ने वाला और वो यहाँ पर बताते भी ना कि क्यों क्योंकि मसीह का लहू, लहू उस, वो ऐसे हाँ, फ्री हाँ। ऐसे ही नहीं है कि वो हमारे लिए भले ही फ्री है पर उसके लिए किसी ने एक पेमेंट दिया है और उसको पिता परमेश्वर ने पूरी तरीके से स्वीकार किया उस लहू को जैसे हाँ लहू की बात करें तो मेरे एक वीडियो मैंने देखा था कि एक वीडियो में ऐसा था कि जैसे पहले जो मूसा के नियम के अनुसार सब लोग बलि चढ़ाते थे कुछ मेमना कर और कबूतर वो सब चढ़ाते थे तो इसमें ऐसा दिखाया गया था कि मेमना काटने के टाइम जो उसका जो अभी मेरा है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पाप है वो मेमना के ऊपर डाला जाता है ऐसा करके आ, एनिमेशन से दिखा गया कि ऐसे ऊपर जा रहा है तो अभी क्या हो रहा है क्या हुआ कि फिर उसमें दिखाया था कि जो अ, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था नहीं। तो उसके वजह से अ, उसमें बाद में दिखाया था कि जो अभी जो हमारा पाप है वो प्रभु यीशु के ऊपर ऐसे करके डाला जा रहा है ऐसे करके दिखाया गया था उसमें एनिमेशन से तो ये सच्चा है कि अब अभी जो हमारा पाप है वो हमारे ऊपर नहीं है क्योंकि हमने विश्वास किया है और प्रभु यीशु का जो लव है हमारे अंदर कार, काम कर रहा है तो अभी जो हमारा जो पाप है हमारे ऊपर नहीं है और और पाप स्वभाव भी नहीं है हाँ पाप स्वभाव भी नहीं इसीलिए हम अभी धर्मी बन के जी सकते हैं अभी आजाद होकर जी सकते हैं तो लेकिन क्या करता है शैतन के ऐसा कभी कभी ट्राई करता है क्योंकि शैतन को कुचल दिया है हुँ, अभी पांव तले तो, तो मैं मैं भी ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे पैर को नीचे मारता हूँ कि शैतन हर रोज़ प्रैक्टिस ऐसे करते रहता हूँ कि उसको वो हमारे पैरों के नीचे है तो शैतन के अभी वो ताक़त नहीं है लेकिन वो क्या करता है कि प्रभु युष्ण ने बोला कि वो झूठा है तो वो झूठा झूठ ऐसा फैलाता है कि तुम कुछ गलत किए तो गिल्टी लाएगा या आप तुम पापी हो करके वो सोचेगा ऐसा करके लेकिन वो झूठा है हमारा पाप तो हमारे ऊपर है नहीं अभी कुछ गलत कर दिया ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते हमारे पास हॉली हॉली स्पिरिट है हमारे पास प्रभु यीशु का लव है प्यार है तो कर नहीं लेकिन गलती कर दिए तो भी वो हमको दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि हमारा पाप हमारे ऊपर नहीं है वो ये प्रभु यीशु के मसीह के लवू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं तो ये एक सच्चाई है तो उस सच्चाई को लेकर हमें जीना है क्योंकि ये सच्चाई को लेकर हम जिएंगे तो हमारे हम एक जयवंत होकर जिएंगे एक छुटकारा के जीवन लेकर हम जी सकते हैं यीशु का लहू हमें ताक़त देता है तो अभी एक पढ़ेंगे यस यसा का 53 थ्री फोर फाइव फोर फाइव निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं यस yes, तो ये आ, हम काफ़ी हम जानते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है हमारे अपराधों को क्या क्या लिखा है अपराधों को हमारे जो पाप है अधर्म के कामों को सब ले लिया है क्योंकि हमारी शांति के कारण अभी हमारे जो चंगाई है उसके लिए उसने सब सह लिया है तो हमको क्या डिप्रेशन शांत अशांति यानी डिप्रेशन डिप्रेशन भी परमेश्वर ने ले लिया है एक्चुअली इस वर्ष में हम देखते हैं कि उनका हम जब यीशु मसीह को बोलता सेवियर उनका नाम का मतलब ये उद्धार करता हाँ, मसीह करता, करता, हाँ, और हम इस वर्ष में हम देखते हैं कि उन्होंने हमको किस किस चीज से हमारा उद्धार किया है हाँ, वो कहते हैं बीमारी उठा लिया हाँ, शांति हम एक्चुअली हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि पापों से छुड़ा लिया और वो बहुत इम्पोर्टेंट है पर हमको एवरीडे इन सारी चीज़ों को ले लेना है अगर हम हम लोग टेंशन हो रहे हैं अगर किसी हाँ। चीज़ के कारण हम डिप्रेशन अगर हमारे ऊपर वो शैतान डालने की कोशिश कर रहा है तो हम इस वचन को लेके बोल सकते हैं कि नहीं यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और ये हाँ। हो, हो चुका है हो सब कुछ उन्होंने मुझे छुड़ा दिया हाँ। तो मैं क्यों इसके हाँ। बंधन में अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा डिप्रेशन मेरे पे है ही नहीं हाँ, हाँ। वो तो क्रूज पे है हाँ। वो तो आ, आ, दो हजार साल पहले ही खत्म हो गया मेरे को क्यों टेंशन लेना ऐसा करके हम सोच सकते हैं और ये फैक्ट है लेकिन हम फैक्ट को कभी छुपा देते हैं तो ये हमको ताकत देता है तो अगर ऐसे हम वचनों को हर रोज़ लेके वचन से ही हमको जी जी पाना है तो ऐसे ही वचन को लेकर हमें आगे बढ़ना है